आप सबका स्वागत है भाई। जो मैंने कल बताया था गाड़ी के साथ कुछ दुर्घटना हुई है वो आज दिखाता हूँ आप सबको, गाड़ी दिखाता हूँ कि क्या हाल हो रखा है। फिलहाल आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बढ़िया। गाड़ी स्टार्ट करके आया हूँ, थोड़ी देर यहाँ खड़ा हूँ, एक बार ठंडी हो जाए फिर दिखाता हूँ। एक जगह जाके अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ, बात करनी है भाई गाड़ी की और उसके बाद बताता चलूँगा। यहाँ तो ये देखो, यहाँ तो कहीं दूर दूर तक छाया ही नहीं है। अब छाया नहीं है तो भाई धूप में तो खड़ा होकर नहीं बता सकता, तो इसका मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा थम जाऊँ। आजा छाया में खड़ा हो जा। तो जैसे ही थोड़ी धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी ना उसके बाद दिखाता हूँ। हो सकता है अभी वर्कशॉप भी जाऊँ, जैसे भी बाकी ठंडी हो जाए फिर चलते हैं। तेरी बॉडी हैबिचुअल हो गई इसी के, बहुत ज़्यादा गंदी, इस चीज़ को सुधारिए भाई। इसको कैसे सुधारे, इसके लिए क्या धूप में बैठ जाए? तेरी कसम साउथ में चलाऊंगा जब आप एक महीना के लिए, तेरी तो फट जाओगी। तो साउथ में एसी ना देख, फिर एसी भाई घर में देख वहाँ घूम कैसे भाई। थोड़े मानसून के टाइम चलेंगे, जब मानसून होगा इतनी ज्यादा धूप नहीं होगी, थोड़ा मस्त प्लेसिंग वेदर होगा उस टाइम जाएंगे भाई। मानसून में शूट ना होगी? अरे भाई हो जाएगी भाई, मत करो यार सिस्टम खराब हो जाएगा। अरे यार ये वाल आज जो गर्मी हो, मतलब जिस टाइप की गर्मी हो रही है ना, ये टाइप की गर्मी झेल ही नहीं जा रही भाई। ना यार भाई मजा ज्यादा है, पीछे भाई भाई का भी शीशा टूट रहा है, सेम ऐसे ही मेरा टूट रहा है। मैं दिखाया नहीं, अभी मैंने दिखाया नहीं भाई पूरी गाड़ी में। मैंने कहा अभी मैंने तेरे को दिखाया ना तो पीछे का शीशा वीशा सब चीज दिखी होगी, बट बाकी गाइस मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। भाई देखो ये वाला जो शीशा है ना, ये लगवाया है नया शीशा, वो देखो वो भी टूटा हुआ है पूरा। फिल्म अभी ना चढ़ी ना इसमें? अरे फिल्म कहाँ चढ़ेगी जब नया शीशा है तो। हाँ मैं कल चढ़वाया इसे तो भाई, आवाज कर रहा है शीशा, ये देख। हाँ ये देखिए ना, आज ना कर रहा, आज ना कर रहा, कल कर रहा था। किसी ने दिखाऊं ना, ना ना ना, हाँ ये बात ही बात है, बट आज मेरे को लगता है जब क्या कहते हैं कल कर रहा था ना, तो कल इसमें मिट्टी मिट्टी घुसी हुई थी अच्छे से, धुली हुई नहीं थी, अब धुली है। आज सुबह सुबह धोके गया है ना वो, तो आज मिट्टी मिट्टी हट गई होगी इसलिए आवाज करनी बंद कर गया। कल कर रहा कट कट, मैं कहा यार ये तो स्क्रैच भी मार रहा होगा शीशे पे, ऐसा लग रही थी आवाज में। देखिए सेटअप ना लग रहा, ओम शांति ओम फिल्म शूट कसम से। तो गाइस अभी फिलहाल हम जा रहे हैं वर्कशॉप पे गाड़ी लेके, और एक बार दिखाते हैं भाई कि कितना टाइम लगेगा, इंश्योरेंस लूंगा नहीं लूंगा, थोड़ा है अभी बाहर से आपको वहीं खड़े होके वहीं पे दिखाऊंगा भाई। मैं सोच रहा हूं यहां पे डेंट है भाई, नॉर्मल चेंज कर दो, चेंज ही वर्ड हो रही है क्योंकि इसकी सेटिंग आएगी नहीं यहां से, जो है ना इसकी सेफ वो बनेगी नहीं। और ये जो ये भी हो रहे हैं यार, ये कोने में दोनों तरफ से दब दब रहे हैं, ये तो शर्ट करा देंगे, ये तो लग रहा है ना, शर्ट करा देंगे नीचे से ना, वे कोना का डेंट भी लगा देना भाई, दोनों तरफ कोने में डेंट है, डेंट है दोनों कोने, हां ये दोनों कोने में डेंट लग रहे हैं, ये निकलवा देंगे, निकल जाएगा ये सब भी है पता ना भाई क्या। हां अभी दो दिन सर्वे नहीं होगा। अच्छा हां सैटरडे संडे है ना, आज के बारे सैटरडे आ जाओ तुम दूसरे से, तो इसमें नहीं जा रहा। अरे वहाँ लगा दी हमने गाड़ी और हम पीने जा रहे हैं जूस। अब इसके किस टाइप का जूस होगा वो देखना है। कह रहा भाई एक नंबर जूस पिलाता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ गाड़ी, गाड़ी के साथ क्या हुआ है पूरी कहानी बताता हूँ। बतानी सुबह ही थी लेकिन अभी मैं भाई मत बोलिए भाई, कॉफ़ी पीनी है, मैंने जूस ही पीना है। भाई क्या ऑर्डर दिया है आपको? जूस के नाम पे पपाया शेक ऑर्डर कर रहा है भाई, स्किन के लिए शरीर के लिए बहुत हेल्प। अरे तू पी के पहले टेस्ट देखिए फिर बात करिए, ना पसंद आया तो दूसरा पी लियो, फिर मैं पी लूंगा फिर दूसरा पी लियो। अरे ना पसंद आए भाई वो तो कैसे बना रहे हो? ड्राई फ्रूट और रोज का पत्ता में मिक्स कर रहा है, रोज का पत्ता, अरे एक नंबर ड्राई फ्रूट और रोज के पत्ते में मिक्स कर रहा है, देख रहे हो?
प्यास लग रही है मन तो भाई, पानी मिलेगा कि पीना ही है हमने थोड़ा। बोतल दे दे भाई एक छोटी कोई ना। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर दे दो, ऑर्डर वो पानी पिएगा ऑर्डर कर दो। हाँ ज़्यादा ठंडी मत देना भाई है? भाई यू की है, यू कौन सा शेक बना दी ना भाई ने, ये तो मैंने लस्सी सी लग रही है, रबड़ी सी लग रही है, तो पागल लग रहा है, पी कर देगा वो। ये वो लग रही है ना वो भाई ने तो किसमें से सुसु मिला रखी है। अरे भाई बहुत बढ़िया है। ओके गाइस सही है भाई, अच्छा है। पहले मुझे नहीं लग रहा था अच्छा, बट अच्छा है। महाराज रुक जाओ एक बार, वो बाहर आ जा, बाहर ही हूँ मैं। मैं रुकूंगा नहीं भाई, मैं रुकूंगा। मेरे एक तो मेरे को कवर पसंद आ गए, फिर मैं सोचता हूँ मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं ना ना चाहिए मुझे शेक है यार, ये शेक नहीं पीना था मुझे, पीना जूस है। कैसे खड़ी को रखी हो मैंने, बिल्कुल भिड़ा आ गया वो सेट करके लगा रखी है। देख हालांकि मुझे पता है वो लेके नहीं आया होगा कुछ, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूंगा। मैंने कहा कैसे लगे, अच्छे लगे नहीं लगे, अच्छे लगे तो लिया क्यों नहीं, तो कहेगा बहुत महंगा लगा रहा था। मेरा मतलब कि पैसा तो ना फूकूँ, समझ रहे हो? देख लो आ लिया। कैसे दीदी ना रहता बिकाए थे, ब्लैक टू ब्लैक दिख ना रहे, गोल्डन लगा के देखो गंदा लगा करता, तो फिर टपक ग्लास अच्छा लग रहा है। सो गाइस बहुत सारे काम चल रहे थे, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। मैं घर पे आ चुका था, ये लेके गया था, अभी ब्रोनो को सुसु करा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि गाड़ी कहाँ कहाँ से लगी है और क्या क्या चीज़ हुआ है। हाँ जी हैं, अच्छा तो ये देखो, ये पूरा डेंट पड़ गया, ये पूरा निकल गया था, ये अब ये टाइट किया हुआ है, ये पूरा निकल गया था, यहाँ से टूट गया पूरा पूरा क्रैक है, ये लटक गया था थोड़ा, अभी टाइट वाइट करवा रखा है। ये पूरा शीशा टूट गया था, इस कॉर्नर से कुछ चीज़ ऐसी लगी थी जिससे यहाँ पे ये वाला एक पोर्शन टूटा हुआ था। उसके पास अगर फ़ोटो होगी तो भाई से मांग लूँगा, नहीं तो जिस भाई को दी हुई थी गाड़ी वो भाई मेरे को गाड़ी का शीशा वीशा लगवा के दे के गया था। बोला उसने, बताया आते कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, खड़ी गाड़ी में ऐसे मार गया कोई, पता नहीं कौन था कौन नहीं था, पकड़ा तो अभी तक गया नहीं है। सामने फार्म हाउस पे सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, तो अगर हो पाएगा तो वहाँ से मैं देख लूँगा, मिल जाएगा तो मैं बताऊँगा आगे वाले कुछ व्लॉग्स में। बट यार सीरियसली भाई देख देख, यहाँ अब लाइट में दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये देखो लाइट में दिख रहे हैं, दूर से वैसे नहीं दिखेगा, दूर से गाड़ी बिल्कुल नहीं पता चल रही, बट पास से जैसे जाता है ना लाइट वेट जाती है दिन में, तो दिन में मेरे को दिखता है भाई, दिन मेरे को बुरा लग रहा है। वैसे दिखने में इतना ना दिख रहा हो, लोग मेरे को कईयों ने सजेशन दिया कि भाई मत करवा कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल रहती है, F1 टाइम लग के आती है जो वो ही रहती है। मैंने कहा भाई छोड़ो, मैंने आज तक लाइफ में इंश्योरेंस नहीं लिया अपनी गाड़ी का कभी भी, तो भाई मैंने कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा, साफ चाहिए मुझे गाड़ी, तो एक बार इसका इंश्योरेंस लेंगे। इंश्योरेंस वाले से बात कराया, उन्होंने देखा ये चीज़ तो उन्होंने बोला भाई पूरा गेट ही चेंज होएगा, ये डेंट वेंट में निकाल दूंगा बट वो वाली फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो इसमें ओरिजिनली आती है। तो बात हो गई है, यही चीज़ दिखानी थी। ये देखो इसके ऊपर कैप भी लग रही थी, वो कैप भी गिर गई, कितने स्क्रैच इस पे लग गए हैं। ये पूरा ऐसे आगे की तरफ हो रखा था, इससे पूरा शीशा टूटा हुआ था, शीशे मेरे पास चाबी नहीं है, कांच दिखाता, पूरे इसमें कांच वाँच हो रखे हैं, मैं इसमें फुटेज डाल दूँगा, कांच वाँच पूरे में हो रखे हैं गाड़ी में, मैंने भी हटवाया ही नहीं। मैंने कहा वहाँ एक बार जाएगी गाड़ी, एक बार में सही होकर आ जाएगी, साफ वाफ होकर आ जाएगी। इसका यहाँ भी लग रहा है डेंट, ये देखो ये डेंट लग रहा है, ये अंदर गड़ गया था, ये ऐसे टेढ़ा हो रखा था थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और ये अंदर गड़ा हुआ था, ये और ये पूरा ऊपर हो गया था, ये भी हिल गया है थोड़ा थोड़ा ये भी हिल गया है, तो इसे भी सही करवाऊँ अब भाई। मतलब सही बता रहा हूँ, दो महीने में मैंने अपनी गाड़ी का ये हाल नहीं देखा, होने में तो देखो कभी भी हो सकता, अगर मेरे से होता ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कहीं और, मतलब कैसे पता चलता है कि कहीं और मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी और वहाँ पे कोई ठोक के चला गया, तो ये मेरे को बस थोड़ा सा बुरा लगा
कि मेरे को समझ नहीं आया कि मैं आगे से कभी शूट के लिए ऐसे लेऊंगा या दे पाऊंगा अपनी गाड़ी। भाई मैं किसी की गाड़ी भी लेके आता हूँ ना शूट पे, तो उसे अपनी गाड़ी से ज़्यादा अच्छे से संभाल के रखता हूँ, कि मुझे पता है वो किसी ने अपनी चीज़ दी है। अब भाई की भी गलती नहीं थी, जिस भाई के पास मैं खड़ी करके आया था उसकी भी गलती नहीं थी, तो मैं उसकी गलती भी नहीं बताऊँगा। उस भाई ने तो भाई शीशा लगवा दिया, शीशा लगवा के दे गया, तो मैं उसकी गलती भी नहीं बताऊँगा। बट जो भी है, फ़िलहाल तो बस यही है कि यार इसे पहले ठीक करा दूँगा। ये देखो, ये पूरा यहाँ पूरा लगा हुआ है, पता नहीं किस तरीके से मारी है उसने, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया जिसने भी मारी है। भाई देखने में नहीं लग रही, मैंने दो तीनों को दिखाया ऐसे ही रैंडमली, मैंने कहा देखियो कुछ हो रहा है गाड़ी में, कह रहा कुछ भी तो नहीं हो रहा। फिर मैंने उसे पास से दिखाया, समझाया, तब बोल रहा हाँ अरे हाँ भाई ये तो लग रही है। तो यही है भाई, गेट की बात कर आया हूँ, गेट चेंज हो जाएगा, इंश्योरेंस में आ जाएगा, और क्या कहते हैं गेट साइड का ये मिरर, और जो भी इसके एसेसरीज लग रही होगी, मैंने एसेसरीज भी इंक्लूड करवा रखी है अपने इंश्योरेंस में। तो अगर कोई ले गाड़ी वाड़ी तो उसकी ना एसेसरीज जो लगवाओ आप कंपनी से, वो भाई आप इंश्योरेंस में ले लो, बहुत बेनिफिट आएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि इसका ओवरऑल जो मैंने खर्चा अभी बात करके आया हूँ भाई, ओवरऑल खर्चा लग रहा है अगर मैं दूँ अपनी जेब से तो 30 से 35 हज़ार रुपये लग रहा है। गेट आएगा 15 से 20 हज़ार रुपये का, शीशा और साइड का मिरर, जो अंदर वंदर से थोड़ा बहुत हुआ है वो, ये ऊपर की एसेसरीज, अगर एसेसरी है इस पे बहुत पैसे लग रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हो, एसेसरीज लगवाओ आप कंपनी से तो भाई उसे प्लीज़ 1000-2000 रुपये लगेंगे। मैंने लेते टाइम भी बताया था 1000-2000 रुपये दिया मैंने, तो सही है वो चीज़, मतलब बेस्ट है आप करवा लो एसेसरीज़ को इंक्लूड करवा लो इंश्योरेंस में, वो बेस्ट हो जाएगा। बाकी तो भाई एक बार दिन में और दिखा दूँगा, अगर थोड़ी लाइट वाइट वाली जगह में हुई तो, अगर नहीं दिखा किसी को तो मेरे को बता देना, बाकी मैं बताना बस अपना दुख रहा यहीं दिखा सकता हूँ। शाम हो चुकी है, मेरा स्विमिंग जाने का टाइम हो चुका है, ब्रूनो को ससुर के लेके आया था, कहाँ गया ब्रूनो, चलता हूँ छोड़ता हूँ इसे और फिर चलते हैं स्विमिंग करने। सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच गया हूँ, पूरा दिन का निकला हुआ, और ये देखो, नहीं नहीं ये देखो, ये एक, ये दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, एंड ये फाइव जोड़ी, एंड दिस इज माय सिक्स जोड़ी शूज, एंड दिस इज माय सेवन्थ जोड़ी, एक मिनट सॉरी, सेवन्थ जोड़ी शूज। तो सारे शूज़ मैंने ड्राई क्लीन कराए हैं फुल ऑन, भाई गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सारे ड्राई क्लीन कराए, अब लेके आया हूँ, देख रहा था इसकी किस तरीके से ड्राई क्लीन करिए, सही करिए नहीं करिए, बढ़िया एक हद तक अच्छी करिए, अभी देखता हूँ कुछ नहीं, कुछ कमी वमी हुई तो बोल दूँगा। बाकी ये शूज़ पहने थे, ये शूज़ भी गंदे हो चुके हैं तो इनको भी कराना पड़ेगा, ये तो भाई ड्राई क्लीन ही कराऊंगा, ये मैं फट जाएंगे और इनके ऊपर दाग बहुत जल्दी छूट जाएंगे, मतलब रह जाएंगे, तो ये तो मेरे को ड्राई क्लीन ही कराने पड़ेंगे, देखो गंदे हो रखे पूरे। तो या ऊपर लेके चलते हैं, चलते क्या है, मतलब मैं यहीं पर इस वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ। आई होप गाइज आप सबको व्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा फॉर व्हाट्स एवर रीजन, डू लाइक डू कमेंट डू शेयर। ये जो गाड़ी हुई है भाई, मैं दिल से बता रहा हूँ, उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में अगर मैंने कुछ बोला हो किसी को तो भाई एक्सट्रीमली सॉरी, ये जान के की हुई चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम व्हीकल चलते हैं, बहुत ज़्यादा कम, बट आसपास बहुत सारे नोन हैं जो जानते हैं। प्लीज़ मत करना यार, प्लीज़ आगे से मत करना, अगर हो तो भाई 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये एक बार में खर्चा हो जाए, हर बार मैं वो थोड़ा लूँगा क्या इंश्योरेंस ले रहा हूँ, क्लेम भी है यार, भयंकर वैल्यू ख़राब होती है गाड़ी की, कई चीज़ें हैं, 2 महीने में भयंकर ठोक दी मैं, और मेन बात यह कि मैंने नहीं ठोकी, सबसे मेन बात है कि मेरे से नहीं लगी गाड़ी, अगर मेरे से लगती तो मैं ये हो जाता कि चल ठीक है 30-35 हज़ार रुपये भी लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैंने ठोकी होती तो, अब किसी और की गलती पर मैं पैसे भी भुगतूँ, और चलो ठीक है गाइस, ओके पूरे पूरे ओके मिलते हैं गाइस। मजा है ले ले मां रमैलो काली ओडाली गस्तो, मजा है ले ले मां रमैलो काली ओडाली ओ ए हां, ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। नो देवी अल्ला मीरादा केदा ते सरदारा मी
मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी।